एक बार फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। क्या आतंक पर इमरान ने सीक्रेट डील कर ली? आतंकी क्यों बना इमरान का हाफिज भाईजान? खुल गया पाकिस्तान के पोस्टर बॉय का राज। यही पाकिस्तान है, समझ से परे, करता कुछ है और दुनिया को बताता कुछ है। और ऐसा नहीं है कि इमरान खान के साथ उनके हाफिज भाईजान का पोस्टर वायरल होने से कोई पहली बार पाकिस्तान की पोल खुली हो। इससे पहले सैकड़ों मर्तबा पड़ोसी मुल्क का दोहरा चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। आतंक का शिकार और भुक्तभोगी होने का रोना इमरान खान तब से पीट रहे हैं जब से वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। जबकि हकीकत यह है कि इमरान प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे ही सेना और आतंकियों की मदद से हैं। ऐसे में इमरान खान से आतंक पर लगाम की उम्मीद करना बेमानी है। और अब पाकिस्तान में जो आतंकियों की लिस्ट आप देखने जा रहे हैं वो इसकी तस्दीक भी करती है। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल मुजाहिदीन, अल बद्र, दुख्तरान ए मिल्लत, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, लश्कर ए बलूचिस्तान, तंजीम नौजवान ए अहले सुन्नत, गिलगित, अंजुमन ए इस्लामिया गिलगित बाल्टिस्तान, मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, आजम ब्रिगेड, बब्बर खालसा इंटरनेशनल। तो क्या सचमुच पाक सरजमी आतंकवादियों का बसेरा बन चुकी है? आखिर कैसे एक पूरा मुल्क देखते ही देखते आतंक के चंगुल में फंस गया? कैसे एक पूरे मुल्क पर आतंकवादी संगठनों और उनके आकाओं ने कब्जा कर लिया? जी हाँ, ये वो आतंकवादी संगठन हैं जिनकी लिस्ट भारत सरकार के पास भी है और जिन्हें दुनिया के अलग अलग फोरम पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने बैन कर रखा है, मगर फिर भी ये पाकिस्तान में खुलेआम रहते घूमते हैं। ऐसा लगता है कि एक बार गिनती शुरू हो गई तो खत्म ही नहीं होती। खत्म हो भी तो कैसे, आतंक का पुराना संगठन मजबूत होता जाता है और आए दिन नए आतंकी संगठन पैदा होते जाते हैं। और आतंक के इन्हीं संगठनों की गोद में पलते हैं वो 30 से 40 हजार आतंकवादी जिनका जिक्र खुद वो हुक्मरान कर रहा है, जिसके मुल्क की सरजमी पर ये पलते बढ़ते और फलते फूलते हैं। 1980 से लेकर अब तक करीब 40 सालों में पाकिस्तान में 13 वजीर आजम, 2 मिलिट्री शासक और 7 केयर टेकर प्रधानमंत्री गुजरे, मगर किसी भी पाकिस्तानी हुक्मरान ने इतनी साफ गोई से अपने मुल्क में आतंकियों के होने की बात नहीं कबूली। इमरान का ये बयान न सिर्फ पाकिस्तान के पूर्व शासकों के झूठ को बेनकाब कर रहा है, बल्कि ये साबित कर रहा है कि कैसे पाकिस्तान ने इतने सालों तक दुनिया को अंधेरे में रखा। कायदे से जो बात हिंदुस्तान एक अरसे से कहता चला आ रहा था, उसकी तस्दीक आखिरकार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अब अपनी जुबान से की। इमरान खान ने यह खुलासा अपने अमेरिकी दौरे के दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के कार्यक्रम में कही। इमरान खान ने यह तक माना कि पाक सेना ने अफगानिस्तान में विदेशी ताकतों से लड़ने के लिए जिहादी तैयार किए थे, जिनकी ट्रेनिंग से लेकर असलहों तक के खर्चे को पाकिस्तानी सरकार ने उठाया था।